मैं माँ हूं, धरती माँ। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो ये जान लेने के बाद कि वे सीधी राह पर नहीं थे, अपने सोचने का ढंग बदल देते हैं, सुधर जाते हैं। दूसरे वे जो अपने आप को सुधारना अपनी हार समझते हैं, उनका अहंकार उन्हें सुधरने नहीं देता। उनके सोचने समझने की शक्ति झूठे अहंकार के बोझ तले पिसकर रह जाती है। गुरु शुक्राचार्य ने अपनी आंखों से देखा कि उनके दोनों पुत्र शंड और अमरक मारे गए, और फिर प्रहलाद ने श्री विष्णु भगवान की सहायता से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। मगर उनका अहंकार इस हार को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। जब उनकी ये दशा है तो हिरण्यकशिपु से ये आशा रखना ही व्यर्थ है कि वो प्रहलाद को सच्चा मान लेगा, क्योंकि वो तो अहंकार शुक्राचार्य से भी आगे है। गुरु शुक्राचार्य तो केवल भगवान श्री विष्णु के बैरी हैं, किंतु हिरण्यकशिपु तो स्वयं को भगवान मनवाने पर अड़ा हुआ है। देखना यह है कि अपनी इस हार का वो किस प्रकार सामना करता है। तू अभी भी जीवित है? हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु की कृपा से मैं बच गया। किंतु मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके आज्ञा अनुसार मेरा वध हो जाता तो क्या आप मुझे पुनर्जीवित कर सकते थे? बंद कर अपना प्रलाप। गुरुदेव कहाँ है? कहाँ है गुरुदेव? मैं यहाँ हूँ दैत्येंद्र। ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? चंड और अमर के निर्जीव स्वर, आपका पहली बार झुका हुआ सिर, और ये जीवित दुष्ट प्रहलाद, ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? नहीं वत्स हिरण्यकश्यपु, ये सत्य है, अत्यंत कटु सत्य। मैंने कृत्या क्रिया द्वारा प्रहलाद का अंत करना चाहा था, परंतु राक्षसी कृत्या ने उल्टे मेरे दोनों पुत्रों शंड और अमर को मार डाला। किंतु ये दोनों तो जीवित हैं गुरुदेव, ये दोनों तो जीवित हैं। यही तो खेद और लज्जा का विषय है। मेरे दोनों पुत्रों का जीवन तुम्हारे विरोधी पुत्र प्रहलाद की दया का दान है। मेरी शक्ति तुम्हारे पुत्र की शक्ति के समक्ष हार गई। मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी, किंतु आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। नहीं, नहीं गुरुदेव, नहीं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तेरे विष्णु ने मेरे भाई को छीना, मेरी बहन को छीना, और अब मेरे गुरुदेव को छीन लिया तेरे विष्णु ने। अब तक केवल इसलिए बचता रहा क्योंकि मैंने तेरे वध का कार्यभार दूसरों को सौंपा, क्योंकि मैं रक्त से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता था, किंतु अब ये अशुभ कार्य मुझे स्वयं करना होगा। नहीं, स्वामी छोड़ दीजिए मेरे पुत्र को। नहीं हट जाइए, नहीं स्वामी, हट जाइए। अब कोई नहीं आ सकता तेरे बीच। अब ये संसार देखेगा,
कि एक पिता अपने पुत्र का वध कैसे करता है। संसार में घुमाया जाएगा तेरा शेष, बाकी संसार में जो भी विष्णु भक्त बचा है तेरा कटा हुआ शेष देखकर विष्णु का नाम भूल जाएगा। मैं यहां बैठे सबको चेतावनी देता हूं कि कोई मेरे और इस दुष्ट के बीच आने का साहस ना करे। हे आदरणीय पिताश्री, मेरे और आपके बीच तो कोई बहुत पहले से आरंभी से उपस्थित है। कौन है वो? मेरे श्री विष्णु भगवान। नहीं, नहीं प्रहलाद, कहाँ है वो? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? आप अपने मन से झूठा अहंकार हटा दीजिए, वे आपको भी दिखाई दे जाएंगे। झूठ बोलता है तो झूठ बोलता है, तेरे विष्णु में इतना साहस नहीं कि वो मेरे भगवान हिरण्यकशिपु के समीप आ सके। समीप नहीं पिताश्री, वे तो आपके भीतर भी है, बस आप देखने का प्रयत्न नहीं करते। तो रोक ले अपनी जीभ, अन्यथा सबसे पहले मैं तेरी जीभ काट कर फेंक दूंगा, जिस पर तू बार बार मेरे भ्राता श्री और बहन के हत्यारे का नाम ले रहा है। आप जीभ काट देंगे तो मैं मन ही मन उनका नाम लूंगा। मेरे विष्णु के लिए स्मरण ही पर्याप्त है, वे हर मन में है, कण कण में है। अच्छा, तेरा विष्णु तेरे मन में है, हर कण में है। तेरा विष्णु स्लोस्तम में है। हाँ पिताश्री, मेरा विष्णु इस लोह स्तंभ में भी है। सैनिको, इस लोह स्तंभ को अग्नि से तपाओ, इसे अंगारे की भांति लाल बनाओ। विष्णु लोक में आपका स्वागत है आदि प्रजापते। हे लक्ष्मी नारायण, रोकिए इस नरसिंहार को, रोकिए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप ही कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने प्रहलाद के भाग्य लेख में उसे हिरण्यकशिपु के हाथों मारा जाना नहीं लिखा है। दूसरी ओर मैंने हिरण्यकशिपु को भी ऐसा वरदान दे रखा है कि वो मर नहीं सकता। इसीलिए मैंने सदैव यही कहा है हे ब्रह्मा, कि वरदान देने से पहले यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि वरदान किसे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। जिसे यह वरदान दिया जा रहा है वो व्यक्ति इस वरदान का पात्र है भी या नहीं, और यदि है भी तो क्या वो उस वरदान का उचित उपयोग करेगा या नहीं। वो उस वरदान को आत्म सुख का उपहार मानेगा या दूसरों को दुख देने का शस्त्र। हे ब्रह्मा, जिस प्रकार शिशु के हाथ में खड्ग थमा देना अनदेखे संकट को निमंत्रण देना है, उसी प्रकार एक दुश्चरित्र व्यक्ति को वरदान दे देना अपने लिए और सृष्टि के लिए घातक घटनाओं को निमंत्रण देना है। आप सत्य कहते हैं, पर धनुष से बाण निकल चुका है, वरदान तो मैं दे चुका हूं, अब क्या हो सकता है। आपको कुछ तो करना ही होगा। मेरे वरदान के अनुसार हिरण्यकश्यपु न दिन में मर सकता है, न रात में, न घर के भीतर मर सकता है, न घर के बाहर, न धरती पर मर सकता है, न आकाश में, न कोई पशु से मार सकता है, न मानव अथवा देवता, न कोई अस्त्र उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, और न ही शस्त्र। बहुत जटिल समस्या है ब्रह्मा जी। मुझे आपके वरदान का मान भी रखना है
और पुत्र प्रह्लाद की रक्षा भी करनी है। आप सत्य कह रहे हैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। पुत्र, क्या कहा था तुमने? इस लोस्तंभ में तेरा विष्णु है। यदि इस लोस्तंभ में तेरा विष्णु है तो जा, गले लग इसके, जा। आगे बढ़ दुष्ट, अपने विष्णु का आलिंगन कर, जा। जो आज्ञा पिताश्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ओम नमो। मैं अपने विष्णु के गले लग गया पिताश्री। दूर्त कपटी, अवश्य तेरे पास मायावी शक्तियां हैं जिसकी सहायता से तूने इस लोस्तम को ठंडा कर दिया। सैनिको, बांध दो इसे इसी खंबे से, आज मैं इसके प्राण लेकर ही दम लूंगा। बांध दो इसे। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा विष्णु भी नहीं। कर ले अपने विष्णु का मन भर के स्मरण, कर ले। यदि तेरे कथनानुसार इस स्तंभ में विष्णु है तो सकते कि वो बाहर निकल कर तुझे दर्शन दे और तेरे वध का दृश्य भी देखे। तू जीवित नहीं बचेगा। राज Thank you.
तू? कौन है तू? अगर बताना, अगर बता रहा तू? किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ, रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय ना दिन है ना रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूँ, ना घर के बाहर। तू ना घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूं, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख, तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है ना मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु अस्त्र संभव है, मैं अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र, मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? बचाओ। सत्य के पथ के पथिकों का जीवन संकट में डाल दिया था।
मेरी ही इच्छा से प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म असुर कुल में हुआ, ताकि तेरे अभिमान को तेरा ही रक्त ललकारे और संसार को ये ज्ञान भी हो कि असुरों में भी महापुरुषों का जन्म संभव है। हे नराधम, तूने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वरदान क्या मांग लिया? तूने वास्तव में ये समझ लिया कि तुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई। मूर्ख, परमेश्वर के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है। तेरे मन में यह भ्रम समा गया कि तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, केवल ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शांत हो जाइए हे विश्वेश्वर, शांत हो जाइए। नहीं, आज संसार को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति को ललकारने वालों का क्या परिणाम होता है। हे जनार्दन, हे लक्ष्मीपति, दुष्ट हिरण्यकश्यपु अपने परिणाम को पहुंच गया है। अब अपना क्रोध रोक लीजिए। नहीं, अभिमानियों को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि उनका अभिमानी सिर किस प्रकार पैरों तले रौंदा जाता है। हे वासुदेव, आपने न्याय कर दिया है। हिरण्यकश्यपु के शरीर के साथ उसका अभिमान भी ठंडा पड़ चुका है। अब अपने प्रकोप को समेट लीजिए, नहीं तो समस्त सृष्टि उसकी चपेट में आ जाएगी। इस पापी ने स्वयं को ईश्वर कहा था, स्वयं को सर्वशक्तिमान कहा था, मेरे भक्तों को कष्ट दिया था। देख ले, आज समस्त संसार देख ले कि स्वयं को ईश्वर कहने वाले, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने वाले किस प्रकार धूल में मिला दिए जाते हैं। हे दयानिधान, हे कृपा सागर, हे करुणा सिंधु, मैं जानती हूँ जब मानवता पे कोई संकट आता है, जब कोई आपके भक्तों को सताता है, तब आपके मन में क्रोध का ज्वार उमड़ता है। परंतु हे सर्वेश्वर, आपके भक्तों के शत्रु को आपने अपने हाथों से मारा है, अब तो आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? अधर्म को कैसे सहन कर लूं? अधर्म मेरे समक्ष मृत पड़ा है और अधर्म को तो मैं मृतक रूप में भी नहीं दे सकता। पुत्र, पुत्र, इनके क्रोध का कारण है तुम्हारा कष्ट। केवल तुम ही इनके क्रोध को शांत करा सकते हो। यदि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। आओ पुत्र। नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे वासुदेव, मेरे विष्णु, मेरे मन में जन्म से आपकी जो छवि बसी है वह बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, बड़ी मनमोहक है। मैंने हर पल उसी छवि को पूजा है। हे जगदीश्वर, मुझे आपके स्वीकार रूप से डर लग रहा है। मैं जानता हूँ आपके क्रोध का कारण है मुझे दी जाने वाली यातनाएं, मुझे पहुँचाया जाने वाला कष्ट। उन यातनाओं और कष्ट का आपकी कृपा से अंत हो चुका है। हे वासुदेव, विश्वास कीजिए, मैंने आपसे अपने भाई अल्लाद और गुरजन शंडर अमर की जीवन की भिक्षा अवश्य मांगी थी, परंतु पिताश्री की जीवन की भिक्षा कदापि नहीं मांगूंगा। वे आपके बैरी थे, आपने न्याय कर दिया। अब आप शांत हो जाइए और मुझे अपना वह मधुर रूप दिखा दीजिए जो मेरे मन में बसा हुआ है। हे वासुदेव, मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। Thank you.
असुरों के बीच भक्ति की सुगंध फैलाई, तुमने दानवता के अंधकार में सत्य का दीप जलाया, तुमने असभ्यता की इस कीचड़ में सभ्यता का कमल खिलाया, तुमने इतनी छोटी आयु में मेरी राह में इतने सारे कष्ट सहे, परंतु अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा, तुमने सबको यह दिखा दिया कि एक गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, शिक्षा कैसी हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र प्रहलाद, अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। जब तक ये समस्त संसार रहेगा, कोई भी तुम्हारा नाम कदापि नहीं भूल पाएगा। वासुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से पुनः एक बार सत्य की विजय हुई, पापी का अंत हुआ, पाप का नाश हुआ। मानवता के सबसे बड़े शत्रु हिरण्यकशिपु को आपके हाथों मोक्ष प्राप्त हुआ। महादेवी, मानव मेरी सबसे प्रिय रचना है। यह धरती तो मुझे स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लगती है, इसलिए जब भी कोई पापी धरती की सुंदरता को नष्ट करने का प्रयास करता है, जब भी कोई नराधम मानव को या मानवता को रौंदने का प्रयास करता है, तो मैं नरसिंह बनकर उसका वक्ष स्थल फाड़ देता हूं, मैं वराह बनकर उसका उदर चीर देता हूं, या फिर मैं मत्स्य बनकर उन दुराचारियों को जल समाधि दे देता हूं। आपकी इस कृपा के लिए मानव और धरती के साथ साथ मैं भी आपके आभारी हूँ कमल नयन। जिस प्रकार आपने पुत्र प्रहलाद की रक्षा की, सारी संसार की माताओं की ओर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। महादेवी, जिस प्रकार संतान को दूध पिलाने के लिए किसी माता को धन्यवाद नहीं दिया जाता, जिस प्रकार परिवार का पालन पोषण करने के लिए पिता को धन्यवाद नहीं दिया जाता, और जिस प्रकार फल देने के लिए वृक्ष को धन्यवाद नहीं दिया जाता, उसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरा भी धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेवी, मैं तो पिता हूं, सर्वेश्वर हूं, और यह समस्त विश्व मेरा परिवार है। भक्त प्रह्लाद तो मेरा एक महान भक्त है महादेवी, और अपने भक्तों से मैं इतना अधिक प्रेम करता हूं कि कदाचित स्वयं अपने आप से नहीं करता। सत्य है कमल नयन, इसीलिए तो हिरण्यकश्यपु पर आपके क्रोध का स्मरण करके मुझे अभी भी रोमांच हो रहा है। महादेवी, एक पापी, एक अत्याचारी कभी भी मेरी दया का पात्र नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यपु के पापों का घड़ा मेरे भक्तों से रक्त से भर रहा था। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उसने मेरे भक्तों की हत्या न की हो। जिस क्रूरता से उसने विष्णु नाम के बालक की हत्या कर दी, उसी क्रूरता से मैंने भी उसका वध कर दिया। आपको उस पापी के लिए कैसा भयानक रूप धारण करना पड़ा था? महादेवी, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूं। जैसे आज नृसिंह अवतार धारण करके मैंने उस पापी हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, जो स्वयं अपने ही पुत्र का वध करना चाहता था केवल अपने पाखंड की रक्षा करने के लिए। अपने स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षा के सामने वो ना तो राज धर्म को निभा पाया, न एक पति के धर्म को, और ना ही पिता के धर्म को। मैंने उसके वंश में प्रह्लाद जैसे बालक को जन्म दिया, प्रह्लाद जिसका मुखमंडल देखकर स्वयं अत्याचार को भी दया आ जाए। परंतु हिरण्यकश्यपु को दया नहीं आई। महादेवी, महादेवी, यह धरती मैंने ऐसे अत्याचारियों के लिए नहीं बनाई, यह धरती मैंने ऐसे हत्यारों के लिए नहीं बनाई,
इस धरती की सुंदरता धमाके से उजाड़ने के लिए मैंने नहीं बनाई महादेवी, इसलिए आज मैं यह पुनः घोषणा करता हूं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पर संकट आएगा महादेवी और ये दुष्ट जन महात्माओं को कष्ट पहुंचाएंगे, तब तब धर्म की रक्षा करने में आऊंगा, धरती और मानवता की रक्षा करने में आऊंगा और हर युग में आता रहूंगा। हो नहीं था एक दिन अभिमानी का नाश, अंधियारा हारा सदा जीता सदा प्रकाश, अहंकार जब कर गया अपनी सीमा पार, भक्तों के हित में किया दुष्टों का संहार, दुष्टों का संहार।